You are a beautiful, wise and loving soul. आप ब्रेव हो जो डिफिकल्टी के साथ आगे बढ़ सकते हो. आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो एनर्जी है जो आप अर्थ के लिए सर्व करने के लिए आए हो. आप ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ सकते हो. आप अपलिफ्ट हो सकते हो. आपके एनर्जी को राइज करने की ज़रूरत है. आपको कॉन्शसनेस को राइज करने की ज़रूरत है. तो आप सब कुछ चैलेंज धीरे धीरे करके ओवरकम कर सकते हो. जो भी काम आपको सौंपे गए हैं, हो सकते हैं आप डॉक्टर हो सकते हैं आप इंजीनियर हो सकते हो आप फूड सर्व करते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी काम छोटा नहीं होते. तो आप पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ो, हेल्प करो सबको. आपके जो ऊर्जा है, आपके जो कनेक्शन है स्पिरिट के साथ, वो और भी दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर हो जा रहे हैं. इसके लिए खुद को धन्यवाद करो. आप जीना सीखो. यूनिवर्स एंजल्स यही गाइडेंस बोलते हैं, आप जीना सीखो. सांस को जुड़ के रखो डिवाइन के साथ, खुद के साथ. ओके, जो भी कुछ हो रहे हैं, जो भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है. आपको बेटर वर्जन को और भी जागृत करने के लिए हो रहा है. आप स्पीक करो, आप ट्रूथ, आप जो सत्य है उसको सुनने की कोशिश करो और उसको डाउट क्लियर करके बोलने की भी कोशिश करो. क्योंकि आपका जो काउंटर पार्ट है उसका थ्रॉट चक्र ब्लॉकेज आ रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो सच के सामना नहीं कर पा रहे, वो सच को मानने के लिए ही राजी नहीं है. तो आपका जो बोलने का बात, जो डर है, जो फियर है, जो घबराहट है, उसको रिलीज करो. पूरा वीडियो बोलते रहेंगे. कुछ भी जानने की, कुछ भी काउंसलिंग हीलिंग रीडिंग की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मेरा नंबर है. और एक बार बोल लेती हूँ, पूरा पढ़ के फिर रीडिंग हीलिंग कुछ भी लेने के लिए आ जाना. पूछना मत, उधर सब कुछ है. ठीक है, जान के समझ के सही तरीका से एंड प्रॉपर तरीका से आप सब कुछ जान के मुझे कांटेक्ट करना. ओके, फिर दोबारा मुझे बोलने ना पड़े. ओके, आपके एनर्जी अपलिफ्ट हो रहे हैं, आपके कॉन्शसनेस और भी जागृत हो रहे हैं और आप जो भी कुछ सोच रहे हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वही तरीका से आपका जो अवेयरनेस है वो दिशाएं बदल रहे हैं. पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव दिशा बदल रहे है, नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव दिशाएं बदल रहे हैं. ओके, इवॉल्व हो जाओ फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ. आप दोनों वन सोल हो. ओके, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपको यूनिवर्स गिफ्ट दे रहे हैं, जो भी आपको मिल रहे हैं, आपको लग रहा है ये चैलेंजेस है, ये थोड़ा दुख दे रहे हैं, बट ये आपको खुशी देने के लिए सब कुछ करे जा रहे हैं. ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे. ट्रस्ट बोलने में बहुत इजी है बट रखना ज़रूरी होता है. ठीक है, कोई भी काम आ रहा है डिफ़िकल्टी के साथ तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में खुद को एकदम सही रखो. ओके, इस जो भी आपके साथ हो रहा है ना, जो भी आप फील कर रहे हो ना, वो देखो आपको क्यों दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको हील करो, नहीं तो हीलिंग किसी से भी लो. हो सकते हैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं और इस जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जब आपको यूनिवर्स देंगे ना, बोलते हैं ना भगवान जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो ऐसे ही कुछ होंगे. ठीक है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको देखो, समझो, स्ट्रेंथ लो एंड स्ट्रेंथ होके लड़ने की नहीं उसमें बहने की कोशिश करो.
ठीक है, तो सब कुछ देखोगे धीरे धीरे ठीक हो जा रहा है, ठीक है। और एक बात मैं बोल रही हूँ फिर से, रीडिंग, हीलिंग, काउंसलिंग कुछ भी करना है तो जो आप पे करोगे एकदम सही तरीका से करो, क्योंकि आप कुछ एक भी रुपया कुछ गलती से ज़्यादा दे दो तो वो हीलिंग बार रीडिंग बार काउंसलिंग के लिए फिर से आप कर सकते हो। सोचो 202 रुपीस रीडिंग के ले रही हो, अब गलती से 202 रुपीस डाल चुके हो, 22 रुपीस एक्स्ट्रा डाल चुके हो, तो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है। 22 रुपीस आप जब भी बोलोगे गलती, वो स्क्रीनशॉट लेके मैं नाम लिख लूँगी, बाद में आप हीलिंग ले सकते हो, बट ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आपको परेशान करेंगे, तो इस चक्कर में जो करने के लिए बैठी हुई हूँ वही नहीं होंगे, तो क्लियर। बार ये मैं प्लेलिस्ट में ये वीडियो डाल दूँगी, जब भी कोई कुछ वो होंगे समझ नहीं पा रहे हो तो इसको आप देखोगे, ओके। फिर आ जाती हूँ टॉपिक्स पे। आप बहुत ज़्यादा स्पेशल सोल हो, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, जो इम्पोर्टेंट है उसको आप जानने की कोशिश करो, आप पहचानने की कोशिश करो, आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज है आप हीलिंग करो बा हीलिंग लो। बेटरमेंट के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है सजेशन लो किसी से भी, बट आपको करना है, हार मत मानना है। कोई भी हो सकता है, आप लाइफ टाइम में जो किए हो, जो कर्म किए हो वो कैरिड हो रहा है, वो आप बहन आप लेके घूम रहे हो, उसको हल्का करो, उसको रियलाइज करो एंड डिविनिटी के साथ आगे बढ़ो, वो हील करो, क्योंकि हीलिंग करना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा एंसेस्टर जो प्रॉब्लम हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एंसेस्टर को फील कर रहे हो, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहे, कोई भी कुछ कर रहे हो, अटक जा रहे हो, तो एंसेस्टर हीलिंग करो बालिया करो, ओके। लाइफ बहुत इजी है, कब इजी है, जब आप इजी बना दोगे, जब आप खुद ब्लॉकेज क्रिएट ना करके इजीली राइट करोगे, ओके। लाइफ बहुत ही इजी है, ओके। सब कुछ चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसको आपको फेस करना है और आगे बढ़ना है, लड़ना नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। कैसे आप देखो, मैं बोलूँगी ना लड़ो, आप बोलोगे थक जाएंगे, जितने भी लड़ोगे ना, लड़ो दूसरे से नहीं, खुद से भी नहीं, उसको देखो समझो, जितने भी पॉसिबिलिटी है आप ढूंढने की कोशिश करो और टाटा बाय बाय करने की कोशिश करो, देखोगे धीरे धीरे आप ओपन हो रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, आप वाइब्रेशन के साथ खेल रहे हो, आप हील हो रहे हो, जो भी सफरिंग है वो सब कुछ से आप निकल जा रहे हो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, ओके। तो गाइस वीडियो आज इतने तक, अच्छे रहो, अच्छे सोचो, सबको प्यार करो, सबके पहले खुद से प्यार करो और एनिमल्स को और मुझे, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो प्यार कर ही सकते हो, है ना। सो टाटा।